भगवान खबर दे भगवान कह रहे हैं काम को पीछे आराम से देखते हैं आराम से होने में आराम से जगत नीचे काम करते काम करते धीरे धीरे ऊपर उनका सब पीछे दबाओ
जब ग्रास करके शरीर के अंदर आप आता बढ़ती जाएगा तो आए आनंद है। कभी आपको इच्छा होगा तो आइए आप उस पर डाल सकते हैं, जैसे चेयर पर बैठे वैसे बैठे स्पाइन एकदम सीधी है। कुर्सी आप हाँ कुर्सी ये स्पाइन स्पाइन ग्रास करिए सीधी है। आप आगे तीन पांच दस मिनट कर सकते हैं, आज जा रहे थे थोड़ा सा घुटनों को भी आगे पीछे आप
यहाँ तो पंजों पर ले आइए, अभी तो खिताब पड़ेगा आगे आए हम पर पीछे आए चाहे जितना, लेकिन अगर सुबह 1 घंटे देंगे फिट रहेंगे। और अगर कोई झुक सकता है बाहर तक पूरा बोल के भी आ सकते हैं। सांस को बाहर निकालिए, सांस को बाहर निकालिए, कितनी सांस है तो बाहर आप बाहर निकले, फिर अभ्यास करें आ जाए और तो चाहे जितना चले जाए, बॉडी चाहे जैसे आप बना रहे, बॉडी आपकी है जिस उम्र में चाहे, 45 के बाद बना रहे हैं आप पीछे ऊपर से, तो आप जब चाहे अपनी बॉडी को बना सकते हैं। पैर बॉडी इसको ऐसे टच करते हैं, बॉडी आपकी हमेशा फ्लेक्सिबल रहे। अगर करेंगे तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो कोई बात नहीं है, डॉक्टर की बात नहीं होती है। आप छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती कभी भी नहीं करिएगा, निरंतर अभ्यास से आप जो है। अरे हल्का सा लेट के इतनी लेट नहीं करना, लेकिन बॉडी के हर तरफ हल्का से तनाव कितनी हल्का से एक दो आसन फिर हो जाएगी, फिर जाइए लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, लेट जाइए रिलैक्स, उसके बाद सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर टाइटली लेंगे, ये अर्धवासन है, ये शरीर को बहुत ताकत देता है। इतना धीरे धीरे 60 थोड़ा नीचे हो रहा है, 60 पैर सीधे घुटने मोड़े नहीं चाहिए, हाँ 60 चर्बी कम करती है, ये करें बहुत अच्छा है। नीचे आ जाए एक बार दोबारा फिर से करेंगे, सांस रुकते नहीं, थोड़ा सा और फिर 30 एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स। एक और था सर्वांगासन, आप देख देख करें, इतना करें ठीक है, पहले देख सर्वांगासन, इसका
ये आज हम आसन था, अब आसन भी है लेकिन अब आगे पीछे यहाँ जगह कम है, मैं करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। नॉर्मल आप देख सकते हैं, कोई मोशन नीचे नहीं, नीचे नहीं जा सकते। आप देखिए नॉर्मल एकदम सिंपल सा पोज जो होती है, आराम से एकदम आराम से, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, ये आराम से। आराम 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 से देखिए जगह कम है, एक और सर्वान आसन दिखा देते हैं, उसके बाद सर्वान आसन है ये, इसके बाद करेंगे पैर मोड़ने को, पैर मोड़ने को, पैर मोड़ने को, नीचे से पैर पकड़ेंगे, नीचे कान रखते कमर को ऊपर उठाएंगे, ये पाचन के कमर के लिए बहुत अच्छा है। ये आजकल बैक पेन बहुत हो रहा है, उसमें बहुत राहत है। ऊपर टावर सांस देते हैं, सांस को उधर रोकते हैं। धीरे धीरे नीचे एक बार और करेंगे, आप रहिए इससे कमर को ऊपर, दूसरा पैर नीचे एक बार और करें, दोनों पैर एक साथ पैर सुधा एक गंभीर गहरी सांस लेते हैं, उलट जाए थोड़ा सा, एक तो आसन इधर राइट साइड से, उल्टा सा सांस लेते हैं पैरों को, आराम से स्पाइन पे लोड पड़ता है, आराम आराम पीछे पैर पकड़ेंगे, धनुष आसन बहुत ताकत देता शरीर,
आप भरिए आगे पीछे दोनों से उठे उठे एकदम धनुष की तरह के बाद हाथ पीछे करें एक बार सुर उठेंगे पूर्ण हो जाएंगे तो आज बोले तो ये भाई हो गया ठीक है लोग में अनुशासन क्यों जरूरी होता है ऊपर
वो घर के दारू साथ लेके सब इस कोविड में यही इसके लंग मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर सांस रहे नीचे आइए सांस ले कि जैसे हम जीना चढ़ते हैं तुम्हारा जो है निकला खुलने लगता आज नहीं लिख पाते हम भर जाते बैठ जाते हैं। अगर हम अंदर से मजबूत हैं तो कुछ भी कर सकते। उसके बाद हाथों को आगे बढ़ाइए पंडे की बोले मूठा अंदर मुझे बाहर फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं है। शुरुआत में उतराते लगेगा कि कहां फंस गए हो लेकिन उसके बाद जब आनंद देता है आप जिधर जाएंगे लोग आपको पूछेंगे तो आपको बहुत खुशी। लखनऊ में जो है दिल्ली से हमारे भगवान होता था हिंदी वालों से लाइव किया कितनी खुशी मिलती है। नहीं कॉपी करते तो नंबर दे पर पूछता था आज कम से कम 10 जगहों पर करा रहा है। उसके बाद दूसरे काम कंधे से अलग करना ये कंधे भी चार हो रहे हैं दौड़ने के बराबर होता है। सांस लोगे अंदर से फुलबल से लाख करके पूरे पेट को कभी भी पेट की बीमारी नहीं होती। एक बार उसके बाद पेट को हिला उसमें दिखा देते पेट घूमता है इसलिए इसे घुमाते ना आप लोग ऐसे था इतना मोटा आपको दिखाएंगे इतना मोटा तो कोई दिख नहीं था। इतना मोटा था इतना मोटा तो यहाँ दिख नहीं रहा है। मैं रेगुलर अभ्यास नहीं कम किया एक दो कैसे जब आप रेगुलर करेंगे आदत तो तभी आएगा। दस लोग आपको देखेंगे कहेंगे अच्छा है वो कुछ भी आपको सोने नहीं देते
हम 4 बजे उठते हैं, चाहे 2 बजे सोए तो भी 4 बजे उठे, 10 बजे सोए तो भी 4 बजे उठने का हमारा फिक्स है, सोने का कोई नहीं। उसके बाद अनुलोम विलोम, सांस लेंगे एक सांस कितनी देर में लेंगे, उसके 4 बार लेंगे, 2 घंटे में छोड़े धीरे धीरे एक साथ। अभी तो जो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होती है, धीरे धीरे निकालते हैं। अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, हाँ आगे कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सोच के ध्यान दे रहे हैं। अपने सांसों पे ध्यान लाइफ जो है अंदर की तरफ ध्यान दे रहे हैं 10 साल हो जाए, और अगर इसको प्रैक्टिस में डालें 20 मिनट भी 10 मिनट भी आप उसको कंटिन्यूशन करके सभी लोग उसके विज्ञान से पढ़े हुए हैं क्योंकि ये इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपकी लाइफ जो है इंक्रीज टू 50 इयर्स टू 20 40 टू आर ओनली बेटर थिंग्स, इसी को आप करना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छे साधारण व्यक्ति के लिए अगर 20 मिनट रोज कर रहा है 10 साल की उम्र बढ़ जाएगी 10 इयर्स विद ऑल द आपके हेल्थ आपके माइंड से सारी चीजों बहुत अच्छी बनाएंगे, ये इसको कोशिश कीजिए और बहुत आसानी धीरे धीरे चलिए ये बहुत जरूरी है। आजकल स्मार्ट वॉच से कमर में दर्द हो रहा है, आपको को आगे नीचे नहीं ऊपर भी गर्दन सीधी, गर्दन को आप नहीं स्पाइन हमेशा सीधी करके रखिए, ऊपर ही लात लगाओ, आप देखेंगे कि तो दबाव पड़ता है नीचे से लेकर के ऊपर तक दबाव है। ये आप नाभि तीन चार बार कर सकते हैं क्योंकि समय कम है, इसके बाद नाभि करें मूव करेंगे हम,
ये नॉर्मली था तीन बार करें ये माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है कोई भी तनाव हो कोई तो ऐसा होता है इसको देवे भक्ति की तरह ध्यान और तीन बार से भरे के पूजन होते हैं एक तो हम वैसे आसन दिखा देते हैं तो बस
दो मिनट आओ, दो मिनट तो आप थोड़ा सा अभी ध्यान रखें। पहलों को बोलना हो तो भी बोल सकते हैं, किसी भी एज में हो किसी भी हो, लेकिन जब तक आप ध्यान दें वैसे कहता है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इतना कार्यक्रम का ये लाइव जा रहा है,
और जिन्होंने इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको सर्टिफिकेट हार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, इसको आप लोग बारकोड कर ले और इसके भी आपको अपनी चीजें मिल जाएंगी और कर दे। इसी के साथ आप लोगों को ना धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत बहुत, और एक तरीके का मैं यहाँ परिषदम हूँ और मैं सुभाषिष देना चाहता हूँ और एक सेंट्रल जनरल मैं चाहता हूँ और हमारे चाहते हैं आप खड़े हो जाए और एक संकल्प जरूर लें कि प्रतिदिन जो भी समय निकल सकता हमें लोग के लिए संकल्प लेना है। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हम संकल्प के लिए दिन प्रतिदिन आप लोग से अवश्य जुड़ेंगे। इसके लिए हम कम से कम 15 से 20 मिनट अवश्य समय निकालेंगे और लोगों को भी जोड़ें और उसके साथ जो समुदाय दूसरे का बोल रहा है और लोगों को भी जोड़ें। आप खुश रहेंगे तभी हमारा देश। इसमें से कोई अच्छा पौधारोपण का कार्य हो रहा है दिल्ली यूनाइटेड की तरफ से, तो हम लोग चाहते हैं कि विश्व के आमरण में दिल्ली यूनाइटेड ने पौधारोपण के विशेष कार्य कर रखा है। तो हमारे ध्यान में ऐसा एक